Hello, students. Welcome to ExamRAT. It is a platform where you will get content for classes 9th and 10th. So, if you are new to our platform, please visit our website, tell us what we can improve, watch all our videos, and do subscribe. I am Disha, and I will be teaching you biology for class 9th and 10th. So, by now, we have covered two chapters of class 9 biology that is, cell and tissues today we move to this uh, third chapter that is diversity in living organisms so i have divided this particular chapter into four parts just for the ease and to understand it better so the chapter today is about part 1 which is still hierarchy of the li uh, living organisms and uh, today will be an introduction about the chapter so this is the only chapter which is quite dull as compared to other chapters of uh, the subject here. So, we will try and make it more interesting and understand it in a much better way. So, here we have a slide which has two pictures. Okay, so we will first talk about the first picture. Now, forget everything, I am just asking a question here.

ठीक है हाइट का डिफरेंस हो सकता है ठीक है मे बी वन ग्रोज अप एंड बिकम्स लॉन्गर देन द अदर वन ठीक है सो देन हाइट ओके एंड द लेंथ ऑफ देयर हैंड्स फिंगर्स ठीक है सो so, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके बीच में राइट नाउ कीपिंग इन माइंड इफ वी एड अ मंकी टू द सीन हियर किसके बीच में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी गर्ल्स

किस बेसिस पे उनको हम डिफरेंट कह सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो दो बच्चे हैं यहाँ पे दे आर किड्स दे बिलोंग टू ह्यूमन बींग ह्यूमन बींग्स राइट एंड दे हैव अ सिमिलर डाइजेस्टिव सिस्टम सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सो इसलिए हम इनको सिमिलर बोल रहे हैं सिमिलरली एक मंकी uh, है देन इफ यू एड अ काउ टू दीन सो यू विल से अलॉट मोर इज सिमिलर बिटवीन अ मंकी एंड अ गर्ल है सो बेसिकली वी या तीन ऑर्गेनिजम्स को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि सो एंड सो इज वन ग्रुप सो एंड सो इज अदर ग्रुप ठीक है ब्यूटिफुल ब्लू वेल हि ठीक है द वेल इज वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल राइट

बैक्टीरिया है इट इज़ नॉट इवन विजिबल विद द नेकड आई मतलब कि हमें बैक्टीरिया देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा स्टडी करना पड़ेगा जबकि वेल जैसा स्ट्रक्चर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि लार्जेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट है सो देर इज सो मच टू लाइफ सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी जैसे का नाम है चैप्टर का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाइवर्सिटी इज अबाउट बींग डाइवर्स कितने ज्यादा फॉर्म्स में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है देर आर सो मेनी स्पीशीज सो द स्लाइड से लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स विच अलाउ अस टू पुट देम इन टू डिफरेंट क्लासेज एंड देन स्टडी डिफरेंट क्लासेज ऑफ ग्रुप्स एज अ होल ठीक है इन ऑर्डर टू मेक रेलिवेंट ग्रुप्स वी स्टडी द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड मोर फंडामेंटल डिफरेंसेज

कैटेगराइज नहीं करेंगे सो वी माइट नॉट बी एबल टू स्टडी एंड गो थ्रू ऑल वेराइटीज ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ह्यूमन बींग्स को स्टडी करना है ठीक है आई विल डिवाइड दम इंटू टू कैटेगरीज विच इज द कैटेगरी ये एक फीमेल ले लिया मैंने एक मेल ले लिया मेल के बारे में पढ़ लिया तो मैंने ऑलमोस्ट सारे मेल्स के बारे में पढ़ लिया राइट देर आर सो मेनी मेल मेंबर्स राइट सिमिलरली मैंने एक फीमेल को स्टडी किया तो मैंने सारी फीमेल्स को स्टडी किया दिस वे आई सेव माई टाइम ऑल्सो एंड एनर्जी ऑफकोर्स बेटर यही रहता राधा दिन मैं इस प्लानट पर जितने फीमेल मेल है मैं उन सबका डेटा लेती सबको स्टडी करती फिर मैं उन समझती कि वो कैसे उनका मैकेनिज्म वर्क करता है तो बेटर क्या रहता एक फीमेल एक मेल को मैंने स्टडी किया आई सेव माई टाइम एंड आई गॉड दी इन्फॉर्मेशन ऑल्सो वट आई वॉन्टेड बट मैंने वो एक फीमेल कैसे किया, या वो एक मेल कैसे रहने वाला so, okay? so, है ठीक है सो दैट विल गिव अस द फंडामेंटल डिफरेंसेज द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी नीड टू स्टडी ओके सो दिस स्लाइड वॉज ऑल अबाउट कितना वेरिएशन है कहाँ पे एक बैक्टीरिया है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके लिए एक uh, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है उसको स्टडी करने के लिए इन कहाँ पे एक वेल है जो कि लार्जेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट है सो द नेक्स्ट स्लाइड हेयर इज अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ओके सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ़ पैराग्राफर ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव इन लैंड लैंड इन वॉटर और इन दर सो बेसिकली उसने कैसे क्लासीफाई किया कि वो उनका वे ऑफ लिविंग कहां पे है ठीक है कहां पे रहते हैं लैंड एयर वॉटर ठीक है किसने क्लासीफाई किया ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ना वी फाउंड दिस वे to be a little misleading because animals जो कि sea में रहते हैं तो so अभी हम water की बात कर लेते हैं right? Water bodies का हो गया ना ये paragraph. So water में जैसे कि whales रहते हैं आपके starfish रहते हैं octopus रहते हैं So हम ये नहीं बोल सकते कि starfish का जो structure है it is similar to octopus. Except the fact कि दोनों पानी में है but still they are not similar.

ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऑक्टोपस स्टडी कर लिया तो मैंने वेल को भी स्टडी कर लिया सो so, यहाँ पे मेरा सेग्रीगेशन थोड़ा सा फेल हो गया ठीक है दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप्स ऑफ टू स्टडी एंड थिंक अबाउट राइट देन आगे हमें और बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था बेटर क्लासिफिकेशन चाहिए था टू बी यूज एज द बेसिस फॉर मेकिंग द ब्रॉडेस्ट डिविजन सो द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिसाइड सब ग्रुप्स ज रिक्वायर्ड राइट एंड सो ऑन सो अब हमने सोचा चलो एक कैरेक्टरिस्टिक एक वर्ड ले आते हैं ठीक है कैरेक्टरिस्टिक अब हम इसके हिसाब से segregation करेंगे, ठीक है कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन क्या होता है दिस इज द डेफिनेशन इट इज अ पर्टिक्युलर फीचर और अ पर्टिक्युलर फंक्शन ठीक है सो so, ये हमने एक चीज़ ले आई अपने दिमाग में कि कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक सिमिलर जिसके बेसिस पे हम स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक का एग्जाम्पल इज गिवन दिस ब्लू बॉक्स दैट मोस्ट ऑफ अस है फाइव फिंगर्स इन ईच हैंड सो हम एज ह्यूमंस हमारी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आ, हमारे दोनों हाथों में एक साइड लेफ्ट राइट दोनों में फाइव फाइव फिंगर्स होने वाली है सो टोटल टेन फिंगर्स राइट

जिसमें अब मैं और अपने आप को तो साथ एक कैटेगरी में नहीं रख सकती राइट बट इफ फ्रेंड उसको और अपने आप को मैं एक कैटेगरी में रख सकती राइट right? सो so, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बना सके उसके बेसिस पे सेग्रीगेशन होगा सो दीज फैक्ट आर डिटेल्स ऑफ अपेरेंस और बिहेवियर

ऑल दिस इज गिवन इन योर एनसीआर टी दी ओनली डिफरेंस की यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स होने की वजह से माइ लुक लिटल डिफरेंट यू सो द स्टोन यूज टू बिल्ड अ वॉल विल हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ठीक है द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द वॉल ओके सो बेसिकली ये स्टोन बिल्डिंग का जो एक स्ट्रक्चर दिखाया है इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो स्टोन मैं लगा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ये ब्रिक्स लगा रही हूँ ठीक है स्टोन बोल जाते हैं हम लगा लेते हैं। जो भी मैंने लेयर नीचे एट द बेस सेट किया होगा दैट बेस डिसाइड कि मैं सेकेंड लेयर क्या बनाने वाली हूँ राइट सो जो टॉप मोस्ट लेयर है वो डिसाइड नहीं करेगा कि बेस में क्या आएगा ओके okay? उल्टा हो जाएगा ना इसका कि जो बेस में लगाया है वो डिसाइड करेगा ऊपर के लेयर में कितनी ब्रिक्स आएंगी कैसी आएंगी उनकी शेप वेथ डायमेंशन सब कुछ राइट right? बिकॉज मैं डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं लगा रही हूँ सेम टाइप का इसको स्ट्रक्चर बना रही हूँ सो so, ऐसे ये एक हमारे पास सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना चाहिए सो so, क्या है एग्जाम्पल द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ द द वॉल विल नॉट इन्फ्लुएंस चॉइस ऑफ स्टोन्स दैट कम बिलो देम

हो ठीक है? So this is the among अब ये लाइन को समझ लेते हैं तो इधर आ जाओ इस डाय पहला लेर हो गया पहला लेयर दूसरा लेयर का स्ट्रक्चर शेप साइज डिसाइड करने वाला है जो तीसरी लेने वाली है उसमें कितनी होंगी? उसकी कैसे होंगी उसका विथ कैसा होगा ठीक है किस मटीरियल से बनी होनी चाहिए राइट सो दिस विड द वेराइटी फॉर द नेक्स्ट लेयर एंड सो ऑन सो ऑन भी है राइट right? तो so, आगे जैसे जैसे हम बिल्डअप करते जाएंगे प्रीवियस लेयर विल डिसाइड द कमिंग लेयर का वेराइटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहने वाला है ठीक है इन दिस वे वी कैन बिल्डअप होल हयाकि ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कैरेक्टिस्टिक्स टू बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड अकॉर्डिंग टू मी इज म्यूचुअली रिलेटेड अब आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे ब्रिक की तो लेयर करनी है कैसे मर्जी कर देते हैं राइट right? बट हमें एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश करना है सो द फर्स्ट लेयर हैज टू बी रिलेटेड टू द सेकेंड लेयर इन सम पॉसिबल वे वो सम पॉसिबल वे कैसे होगा जब फर्स्ट लेयर डिसाइड करेगी कि सेकेंड लेयर में क्या आने वाला है सो आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट साउंड मोर कॉम्प्लिकेटेड सो ओनली थिंग फर्स्ट लेयर विल डिसाइड सेकेंड लेयर में क्या आएगा सेकेंड लेयर विल डिसाइड थर्ड लेयर में क्या आएगा ठीक है

सेल में न्यूक्लियस होगा ठीक है अब न्यूक्लियस क्या करने वाला है इट विल अलाउ प्रोसेसेस टू बी कैरीड आउट एफिशिएंटली सॉरी ऑर्गेनलीज सो ऑर्गेनलीज क्या करने वाले हैं जैसे ये एक ऑर्गेनली है ये एक ऑर्गेनली है ठीक है वो मेम्ब्रेन बाउंड रहेंगी राइट right? तो जो मेम्ब्रेन है वो क्या कर रहा है उनका काम मिक्सअप नहीं होने दे रहा है एंड एफिशिएंटली वो आइसोलेशन में एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं बेसिकली दे कैन को एक्सजिस्ट विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अद फंक्शन और वर्क राइट सो दिस इज अबाउट द मेम्रेन नाउ ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव अ डिमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गनलीज वुड नीड टू हैव देर बायोकेमिकल पाथवेज ऑर्गेनाइज इन वेरी डिफरेंट वेज अब जहां पे न्यूक्लियस नहीं है जहाँ पे न्यूक्लियर रिजन डिफाइंड नहीं है या जहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है ऑर्गनलीज में वहाँ पे हमें कुछ ऐसा सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा कि काम भी हो जाए लेकिन इंटरफेयर भी ना करें ठीक है बिकॉज अल्टीमेटली न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल राइट सो दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन ठीक है फर्दर जो सेल्स न्यूक्लिएटेड रहते हैं दे विल हैव द कैपेसिटी इन मेकिंग मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बिकॉज वो स्पेशलाइज फंक्शन ले सकते हैं राइट right? सो so, एक हमारे पास न्यूक्लियस आ सकता है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन बिकॉज कैसे एवरी लिविंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल हर सेल में न्यूक्लियस होना चाहिए ठीक है अब सिंगल है सिंगल सेल है मल्टी सेल है वो अलग चीज आ गई पहले हम न्यूक्लियस की बात करें सो दिस इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ओके देन सेल्स दैट ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म अब सेल्स दैट ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अंगल ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया हम मल्टी सेलर स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे ठीक है सो सेल्स एट ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑर्गेनिज्म द प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ लेबर विल बी डिफरेंट इन दिस बॉडी बिकॉज ऑल सेल्स आर नॉट गोइंग टू बी आइडेंटिकल कैसे अगर ऑल सेल्स आइडेंटिकल हो गए तो तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया ना तो डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ शो करेंगे वहां तो एक ही सेल ने सब काम करना है है ना सो so, मल्टी में क्या होने वाला है सेल्स होंगे जो कि स्पेशलाइज फंक्शन करने वाले हैं सो अगेन दिस विल बी अ बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म लास्ट एग्जाम्पल इज बींग एबल टू प्रोड्यूस फूड ठीक है सो

existence later. What is evolution? Most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in the body that allows the organism possessing them to survive better. So basically यहाँ पे एक तो बात हो रही है कि कौन से changes uh, complex होने वाले हैं, कौन सी characteristics और कौन सी basic होने वाली है. So जो characteristics earlier time पे आ गई थी वो basic होने वाली ठीक है और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में जो आने वाली है वो कॉम्प्लेक्स होगी राइट एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही है ठीक है मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी आर सीइंग टुडे दे हैव इवॉल्व राइट फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हमने पिछले और, आ, कितने बुक्स में पढ़ा हुआ है कि वी वर नॉट लाइक दिस ह्यूमन बींग्स डिड नॉट नो हाउ टू लाइट अप अ फायर डे नॉट नो हाउ टू वॉक स्पीक एक्शंस लैंग्वेज सो मैनी थिंग्स हमारा एविल्यूशन हुआ है एंड देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स टू इट लाइक धीरे धीरे आपने टर्म पढ़ा होगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स सो so, देवर सम ऑर्गन्स जो यूज होना बंद हुए हैं जिसकी वजह से वो एक्सटिंकट हो गए एक्सटिंक तो नहीं राइट टर्म एक्सटिंक्ट नहीं होगा बट बेसिकली They have no importance because they use not right. So one such organ is appendix. So slowly this evolution is human beings ki, right. So Charles Darwin is a very famous name. You must remember the name right. He first described this idea of evolution in 1859 in his book The Origin of Species right. तो अभी तक इतना कुछ लर्न करने वाला नहीं है हम सिर्फ स्टडी uh, कर रहे हैं कि कैसा कर सकते थे सेग्रीगेशन कैसा नहीं कर सकते थे क्या इसमें रख सकते थे कैटेगरी में क्या नहीं रख सकते थे वी आर जस्ट स्टडिंग दैट कुछ भी इतना लर्न करने वाला अभी तक हमने नहीं पढ़ा है एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स ओके देन ये दो छोटे से नोट्स हैं ओके सो व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे ऑर्गेनिज़म्स के जिनमें एंशंट बॉडी डिज़ाइन है एंड हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच सो एवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन के टाइम से हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स मिले हैं जो कि अभी भी इस सेंचुरी तक भी चेंज नहीं हुए सो दोज ऑर्गेनिज़म्स आर प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स राइट ज बेसिकली ठीक है ड्यूरिंग वॉट ड्यूरिंग एवोल्यूशन देन यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि उन्होंने अपना पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन टाइप एक्वायर रिसेंटली है रिसेंटली किया का मतलब है कि चेंज हुआ है उनका सिस्टम राइट सो so, वो कौन से होंगे एडवांस्ड और हायर so they have evolved right okay so primitive we are lower advanced yeah, higher right now in these real in reality these terms are not quite correct because they do not properly relate to the differences so there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time ओके इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर ऑर्गेनिजम्स आर सिंपलर वैल यंगर आर मोर कॉम्प्लेक्स अब यहाँ इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया उस स्टेटमेंट को बट एनी वे दिस इज देर सो वॉट दे मीन इज कि जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है उसमें कुछ चेंजेस जो आए हैं उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो यंगर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज़ कंपेयर टू द प्रिमेटिव वर्जन ऑफ इट द ओल्डर वर्जन ऑफ इट ओके

life available here on the planet okay so it is a word used to refer to the variety again various and variety almost same right so it refers to the variety of life forms found in a particular region okay diverse life forms share the environment and are affected by each other too as a result a stable community of different species comes into existence सो so बेसिकली कितने सारे ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट uh, में जैसे कि अभी इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं एनिमल्स हैं यू नो बर्ड्स हैं ट्रीज हैं देर सो मच टू इट तो इस सब में देर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिटी विच विल कम इन टू एग्जिस्टेंस बट विद डिफरेंट स्पीशीज ठीक है देन रफ एस्टिमेट स्टेट दैट देयर अबाउट टेन मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लानिट जिसमें से हमें सिर्फ टू मिलियन के बारे में पता है टू का ज्यादा भी हो सकता है थिंक बट टेन इज स्टिल अवज नंबर राइट सो अगेन दिस शोज की हमें कितनी जरूरत थी वो क्लासिफिकेशन और वो सैग्रीगेशन करने की बिकॉज वो करके भी वी आर स्टिल स्टडिंग सो वेरी लेस ऑफ द टोटल राइट देन

एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन रीजन नंबर थ्री सो इनके बीच में सबसे ज्यादा एक बोलते ना रिच इन डायवर्सिटी इतनी वेराइटी मिलेगी आपको है ना वो वेराइटी वाला प्लांट और एनिमल लाइफ यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है क्योंकि सबसे ज्यादा बाकी प्लानिट पे भी है बट सबसे ज्यादा यहाँ पे इसलिए इसको हमने एक अलग नाम दे दी है रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी ठीक है कुछ भी नहीं है जस्ट बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो टू लेक्चर इज ऑल अबाउट दैट हियर वी हैव अ पिक्चर ओके फ्रेंकली पिक्चर वॉज नॉट रिक्वायर्ड आई हैव जस्ट केप्ट अ पिक्चर बिकॉज द चैप्टर एंड द स्लाइड केप्ट ऑन गोइंग टू डल एंड बोरिंग सो आई जस्ट फेल्ट कि एक पिक्चर हो जाएगी तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है मैं गॉड कोई अर्थ का पिक्चर है क्या है इसमें राइट सो so बेसिकली इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ तक है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कहाँ से कहाँ तक है इक्वेटर तो हमें उसने कौन से तीन रीजन्स के बारे में बोला ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन कैंसर एंड एंड ह्यूमेड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ दी अर्थ ओके Okay then, next we have probably the last slide here. So now we move to the last slide. That is just ki biodiversity. Ka -ka -pe hai. So of the biodiversity on the planet, more than half is concentrated in a few countries. जैसे कि ब्राज़ील कोलंबिया मेक्सिको सो बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट मोर देन हाफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू कंट्रीज जैसे कि ये कंट्रीज के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं राइट ब्राज़ील कोलंबिया मैडागैसकर ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया एंड सो ऑन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फॉर टूडे एंड जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ वॉट वी स्टडीड ज़्यादा कुछ नहीं था इट वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन सो बेसिकली डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गैनिज्म पहले कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करेंगे फिर उनको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एंड देन सेग्रीगेट करेंगे सेग्रीगेट करने से क्या हो जाएगा ईजीली हम स्टडी कर लेंगे इफ़ आई हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू स्टडी अबाउट अ डॉग अ मंकी अ बर्ड एंड अंग सारों के बारे में पढ़ने से अच्छा है मैं एक डॉग की स्टडी कर लूंगी एक मंकी का एक ह्यूमन एंड एक बर्ड का तो मैंने बाकी सारे स्टडी कर लिएउट कैटेगराइजेशन देन दिस टॉक्स अबाउट लाइफ इन वेरियस फॉर्म्स एक लार्जेस्ट एनिमल ऑन प्लानिट है एक माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है ठीक है सो so, कितनेट डाइवर्स अवेलेबल ऑन अर्थ बेसिस ऑर्गेनिजम्स को ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने क्लासिफाई कर दिया ऑन लैंड एयर वॉटर जो कि करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं निकला क्यों नहीं निकला बिकॉज वॉटर में हमारे पास कोरल वेल्स ऑक्टोपिश कितना कुछ है अब अगर एक ऑक्टोपस और एक स्टारफिश को मैं स्टडी कर लू दैट डजेंट मीन दे आर द सेम सो देन कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन ओ आई एम सॉरी आई जस्ट सेट बेसिकली अगर मैं एक ऑक्टोपस को स्टडी कर लू दैट डज नॉट मीन कि मैंने स्टारफिश भी स्टडी कर लिया स्टारफिश और ऑक्टोपस का डिफरेंट होने वाला स्टडी राइट देन कैरेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन एंड डाइवर्सिटी ठीक है देन दिस अ एग्जाम्पल स्टोन बिल्डिंग का बेसिकली कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं क्यों होती हैं इंपॉर्टेंस क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की क्यों हमें एक कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म में चाहिए टू स्टडी अबाउट इट ओके देन दिस वॉज एग्जाम्पल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज फॉर हाईकियल क्लासिफिकेशन हाईकी यू अंडरस्टैंड दैट हम एक सेटअप बना रहे हैं यू नो कि क्लास वन टू फाइव So 1, 2, 3, 4 and 5 is the hierarchy. 1 say 5. Tuk. 1 is going to be less complex as compared to class 5, right? So this hierarchy is क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन एवोल्यूशन में हमने पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिल्कुल भी इवॉल्व नहीं हुए हैं मतलब वो जैसे थे वैसे के वैसे हैं राइट right? सो so, वो प्रिमेटिव और लोअर हो जाएंगे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को टाइम के साथ बदल लिया जैसे कहते हैं ना यू हैव टू चेंज योर सेल्फ विद टाइम राइट सो वो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज किया वो हैं एडवांस्ड और हायर वाले ऑर्गेनिजम्स ठीक है देन बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट नोट आपकी बुक में है इसलिए यहाँ पे हमने एक स्लाइड रखा है सो so, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन इज़ जस्ट की मीनिंग ऑफ लाइफ इन डाइवर्स फॉर्म्स राइट कहाँ पे प्रेजेंट होता है होता है इज दिस रीजन ऑफ डाइवर्सिटीज़ क्या क्या है जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म्स में है उसको मैंने रीजन ऑफ मेगा डायवर्सिटी बोल दिया है ठीक है और ये पर्टिकुलर कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छे से बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा राइट सो इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेटर्स नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग